और रूस में इस वक्त खलबली मची है। खलबली इसलिए क्योंकि पश्चिमी मीडिया एक बहुत बड़ा दावा रूस के जनरल्स को लेकर कर रही है। और पश्चिमी मीडिया ये कह रही है, जो तस्वीरें लगातार आप चार देख रहे हैं एक के बाद एक, ये जनरल आर्मी के जो लोग हैं कहां गायब हो रहे हैं, रूस के आर्मी चीफ आखिर कहां हैं, ये किसी को नहीं पता है। और हम एक के बाद एक आपको नाम भी बताते हैं जो अभी आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे। इसमें पहला नाम है आर्मी चीफ जनरल वालेरी गिरोसिमोव, वेगनर के विद्रोह के बाद से कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। रक्षा मंत्री रूस के, उसके बाद वो कहीं नहीं दिखाई दिए। जनरल सर्गेई सुरोवकिन, उनका भी कहीं पता नहीं चल पा रहा है। वेगनर चीफ प्रिगोजिन की भी कोई जानकारी नहीं है, उसके बारे में खबरें जरूर आ रही हैं, लेकिन कहां है ये किसी को नहीं पता है। पुतिन के ये जो चार हमने आपको नाम बताए हैं जो वफादारों की सूची में आते हैं, वो अचानक लापता हो जाते हैं। कहां है, कैसे हैं, कहां छुपे हुए हैं या वाकई में गायब हैं, ये किसी को नहीं पता। और ये दावा पश्चिमी मीडिया कर रही है। पुतिन ने इनके खिलाफ क्या आदेश दिया है, इन सवालों का जवाब रूस की सरकार ने अब तक किसी को नहीं दिया है। चार जनरल जिन्होंने जिनके नाम हमने आपको बताए, दरअसल ये पुतिन के सबसे वफादार, जो चार तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सबसे वफादार माने जाते हैं। लेकिन एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम होते गए इस पूरे युद्ध में जिसमें कि ये चारों चेहरे युद्ध की तस्वीर से गायब होते हुए दिखाई दिए। और ये दावा पश्चिमी मीडिया कर रही है। के चार जनरल गायब हो गए। वैगनर विद्रोह के बाद चार जनरल लापता। पुतिन के गुस्से का शिकार हुए जनरल। नाटो की साजिश में फंस गए रूस के चार जनरल। कहां लापता है रूस के टॉप चार पुतिन के सलाहकार। चार जनरलों को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। इन सवालों का जवाब रहस्य के दरवाजे के पीछे कैद है। ये चार जनरलों पर ही पुतिन के यूक्रेन जंग की सारी जिम्मेदारी। पुतिन इन चार जनरलों पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे, लेकिन अब एक एक कर ये चारों जनरल युद्ध मैदान से ही नहीं रूस से ही अदृश्य हो गए हैं। ये चार जनरल हैं। पहला नाम है आर्मी चीफ जनरल वालेरी गेरासिमोव का। दूसरा नाम है डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर यूनुस बेक योवकुरोव का, जो मंत्री बनने से पहले सेना में जनरल थे। तीसरा नाम है जनरल सर्गेई सुरोविकिन का। और चौथे हैं प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के चीफ योगेनी प्रिगोजिन, जिसे पुतिन ने जनरल का ओहदा दिया था। नित घनघोर होते युद्ध के वक्त पुतिन के इन बेहद खास जनरलों का गायब होना बहुत बड़ा सवाल खड़े करता है। रूस यूक्रेन युद्ध में इन चारों ने वो कमाल किए हैं जिसे पुतिन वैगनर विद्रोह के पहले बहुत गदगद थे, लेकिन जैसे ही विद्रोह हुआ ये चार जनरल सीन से लापता हो गए। सबसे पहले बात करते हैं आर्मी चीफ जनरल वालेरी गेरासिमोव की। जनरल गेरासिमोव के कंधे पर ही यूक्रेन जीत का भार था। जनरल गेरासिमोव रूसी सेना के जनरल स्टाफ के प्रमुख हैं। जनरल गेरासिमोव ने युद्ध में रूस को बहुत बढ़त दिलाई, लेकिन जैसे ही वैगनर ने पुतिन के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूका, जनरल गेरासिमोव दिखने बंद हो गए। सवाल है कहां छिपे हैं रूस के आर्मी चीफ। क्या पुतिन के दुश्मनों की तरह उनका भी अंजाम हुआ। क्या वैगनर विद्रोह में जनरल गेरासिमोव की भूमिका सामने आने के बाद पुतिन ने उन्हें पद से मुक्त कर दिया। जिंदा है या जनरल गेरासिमोव का साजिशन किसी ने कत्ल कर दिया। अगर कत्ल हुआ तो कातिल कौन, सुपारी किसने दी। यूक्रेन युद्ध काल में ही नहीं, इसके पहले भी पुतिन से बगावत, विद्रोह या असहमति जताने वाले बहुत लोगों का अंजाम बहुत बुरा हुआ है। और कितनों के साथ क्या हुआ
आज तक ये पता नहीं चला। पुतिन बहुत पावर के साथ अपने दुश्मनों को तबाह कर देते हैं, लिहाजा पश्चिमी मीडिया इस बात की आशंका जाहिर कर रही है कि वैगनर विद्रोह के बाद जनरल गेरासिमोव का कहीं नहीं दिखना पुतिन के सफाई अभियान का हिस्सा है। पश्चिमी मीडिया में जनरल गेरासिमोव ही नहीं जनरल सर्गेई सुरोकिन के भी लापता होने की खबर छप रही है। जनरल गेरासिमोव के पहले जनरल सर्गेई को ही पुतिन ने यूक्रेन युद्ध की कमान सौंपी थी। जनरल सुरोकिन को लेकर खबर आई कि उनको विद्रोह की पहले से जानकारी थी, लेकिन ये जानकारी जनरल सुरोकिन ने पुतिन को नहीं दी। इसका सीधा सा मतलब है कि जनरल सुरोकिन वैगनर विद्रोह में शामिल थे। इसके बाद खबर आई कि जनरल को रूस की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पुतिन से गद्दारी करने वाले जनरल सर्गेई सुरोकिन वैगनर ग्रुप के वफादार सदस्य थे। वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजन ने पुतिन की सेना के इस बड़े अफसर को सीक्रेट VIP सदस्य बना रखा था। मतलब ये कि जनरल रूस की सेना में काम करते हुए प्रिगोजन से भी वफादारी निभा रहे थे। सुरोकिन वही अफसर हैं जिन्हें पिछले साल अक्टूबर में पुतिन ने यूक्रेन युद्ध का कमांडर बनाया था। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने दावा किया कि सुरोकिन वैगनर ग्रुप के 30 सीक्रेट VIP सदस्यों में शामिल थे। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सेना के कई दूसरे सीनियर अधिकारी और खुफिया एजेंसियों के अफसर भी वैगनर ग्रुप के सीक्रेट VIP सदस्य हैं। हालांकि वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद सुरोकिन पर हो रहे खुलासों पर क्रेमलिन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सुरोकिन को वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद से कहीं नहीं देखा गया। यहां तक कि उन्होंने अपने परिवार से भी संपर्क नहीं किया। गिरफ्तारी के पहले और गिरफ्तारी के बाद भी जनरल सर्गेई सुरोकिन सशरीर कहीं नहीं दिखे। तीसरे नंबर पर लापता जिस रूसी जनरल का नाम है वो सेना से रिटायर्ड जनरल हैं और पुतिन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं। नाम है यूनुस बेग येवकुरोव। यूनुस पुतिन के इतने करीबी माने जाते हैं कि अगर यूक्रेन में एक भी गोली चलती है तो इसकी जानकारी सबसे पहले इन्हें होती थी, बाद में यही पुतिन को सूचित करते थे। पुतिन के काफी करीबी और एक्सपीरियंस होने के कारण रूस के उप रक्षा मंत्री की रूस में बहुत पूछ है, लेकिन वैगनर विद्रोह के बाद यूनुस भी कहीं नहीं दिख रहे। लोग पूछ रहे हैं कि क्या येवगेनी प्रिगोजिन की तरह उप रक्षा मंत्री ने भी पुतिन के तख्ता पलट की साजिश रची। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि वैगनर ग्रुप के विद्रोह में पुतिन के 14 बड़े अफसरों ने येवगेनी प्रिगोजिन का साथ दिया था। यूक्रेन के सिक्योरिटी चीफ के हवाले से पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बगावत में प्रिगोजिन का समर्थन करने वाले वो अफसर थे जो पुतिन के बेहद वफादार माने जाते थे। मतलब ये कि वैगनर ग्रुप ने टैंकों और हथियारों के साथ रूस की राजधानी मॉस्को की तरफ जो कूच किया था उसके पीछे पुतिन के 14 अफसरों का दिमाग था। यूक्रेन के सिक्योरिटी चीफ ने पश्चिमी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया कि येवगेनी प्रिगोजिन अकेले नहीं थे, बल्कि इस पूरी घटना में पुतिन के बेहद करीबी 14 अफसर शामिल थे, जिनका मकसद पुतिन को रूस की सत्ता से हटाना और नए चेहरे को रूस के सिंहासन पर बैठाने का था। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी दावा किया था कि पुतिन के सुरक्षा में तैनात अफसर और उनकी सेना के कुछ बड़े अधिकारी उनकी हत्या कर सकते हैं। वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद एक बार फिर से यूक्रेन की तरफ से ये दावा किया जाने लगा कि पुतिन कमजोर हो चुके हैं, उनके अफसर किसी भी कीमत पर उन्हें सत्ता से हटाना चाहते हैं। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट की प्रामाणिकता का हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन ये सच है कि वैगनर विद्रोह के बाद पुतिन के तेवर बदले हुए हैं। रूस में वैगनर विद्रोह के बाद से येवगेनी प्रिगोजिन का कोई पता नहीं है। दावा किया गया था कि रूस के साथ हुए समझौते के बाद प्रिगोजिन बेलारूस चला गया है। बाद में बेलारूसी राष्ट्रपति लुकाशेंको ने बताया कि प्रिगोजिन वापस रूस लौट गया है। एयर ट्रैफिक पर निगाह रखने वाले कई प्लेटफॉर्म ने भी विद्रोह के बाद वैगनर समूह से ताल्लुकात रखने वाले कई फ्लाइट्स को बेलारूस और रूस के बीच उड़ान भरते हुए देखा था। हालांकि इनमें से किसी में भी प्रिगोजिन के होने की पुष्टि नहीं हो सकी है। प्रिगोजिन को अंतिम बार विद्रोह के बाद अपने लड़ाकों के साथ रूसी शहर रोस्तोफ से बाहर निकलते हुए देखा गया था। यूक्रेन के एक अखबार ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद पुतिन ने रूस की खुफिया एजेंसी FSB को येवगेनी प्रिगोजिन को मारने का हुक्म दे दिया है।
वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने टैंक और हथियारों के साथ रूस की राजधानी मॉस्को की तरफ कूच कर दिया था। हालांकि बाद में समझौता होने पर प्रिगोजिन के लड़ाके लौट गए, लेकिन बगावत की इस घटना ने पुतिन का खून खौला दिया। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के एक बड़े अफसर ने दावा किया कि बगावत के तुरंत बाद पुतिन ने रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी के अफसरों के साथ बैठक की और येवगेनी प्रिगोजिन का काम तमाम करने का आदेश दे दिया। हालांकि बगावत के बाद एफएसबी ने वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन पर तुरंत एक्शन नहीं लिया और उसके बाद अब तक वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का ठिकाना एक रहस्य बना हुआ है। इस बीच यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के अफसर ने यहां तक दावा किया कि वैगनर ग्रुप के विद्रोह की जानकारी यूक्रेन की सेना और खुफिया एजेंसी के बड़े अफसरों को एक महीना पहले हो चुकी थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का मानना है कि तख्तापलट की असफल कोशिश के बाद भी प्रिगोजिन रूस में था, वो बेलारूस कभी गया ही नहीं। CIA ने यह भी आशंका जताई है कि हो सकता है कि इस वक्त प्रिगोजिन बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहा हो। CIA का यह भी दावा है कि वैगनर के किसी भी सैनिक को बेलारूस नहीं भेजा गया और ज्यादातर अभी भी पूर्वी यूक्रेन में हैं। आर्मी चीफ जनरल वलेरी गेरासिमो, रूस के उप रक्षा मंत्री यूनुस बेग योकुरो, जनरल सरगेई सुरोविकिन, वैगनर ग्रुप का चीफ येवगेनी प्रिगोजिन, युद्ध के शुरुआत के बाद से अब तक ये चार पुतिन के बेहद खास ही गायब नहीं हैं। लिस्ट लंबी है और इतिहास गवाह है कि पुतिन के साथ दुश्मनी मतलब मौत को इनविटेशन।